हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू वैलोरेंट पीसी। यहाँ पे एपिसोड 7 का एक्ट 2 आ चुका है। आज वैलोरेंट पे अपडेट आई है। कल वैलोरेंट मेरे ख्याल से एक दिन के लिए जो है उसके सर्वर्स वगैरह डाउन थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नया है डाटा इंटीग्रेट करना था गेम के अंदर। तो यही था कि अपडेट आने के बाद मैंने अपडेट की, मैंने कहा कोई नॉर्मल सी अपडेट होगी, कुछ बग्स वगैरह फिक्स किए होंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे काफ़ी दिनों से ट्रेलर वगैरह आ रहे थे तो वैलोरेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया मैप आया है जिसका नाम है सनसेट वेलकम टू लॉस एंजेलस। तो लॉस एंजेलस क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सिटी है दुनिया की रियल लाइफ में भी, तो उस पर बहुत सारी गेम्स वगैरह बनती रहती हैं। GTA 5 भी मेरे ख्याल से लॉस एंजेलस पे है, पर गेम के अंदर उसका नाम लॉस सेंटोस रखा गया है। तो वैसी कुछ सिटी है रियल लाइफ की, उन्होंने स्कैन करके इसमें डाली हुई है। यहाँ पे इसका एक नया मैप आया है, आई थिंक ये ओपन वर्ल्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तक वैलोरेंट के अंदर कोई भी ओपन वर्ल्ड ऐसे कुछ नहीं आया है। ये बस गेम आती रहती है, जैसे कि टीम डेथ मैच है उस तरह के, मतलब मैचेस होते रहते हैं इसमें काफ़ी। तो वही कुछ ना कुछ चेंजेस करके नए मैप इसमें डाल के अभी तक वैलोरेंट जो है लाई जाती है। तो इसमें कुछ नई स्किन्स भी आई हैं, प्रीमियम स्किन्स, ड्रैगन उसके अंदर जो है शेप सी ऐसे नज़र आएगी। तो नया बैटल पास भी आ चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पुरानी ही चीज़ें नज़र आ रही थी स्टोर के अंदर भी। तो अभी इसके अंदर कुछ नया चमकीली वेपन स्किन्स वगैरह भी आएंगी, और प्रीमियम इसके अंदर कुछ आया शायद, कुछ बाय मतलब करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे शुरू में ही अभी मैंने वैलोरेंट अपडेट करने के बाद खोली तो ये इसके अंदर नज़र आ रही थी, और ये इसकी पीछे की स्क्रीन भी चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये वाला कोई करेक्टर है इसके अंदर, और पीछे ये इस तरह की जो है मेन स्क्रीन नज़र आ रही है। पहले तो वो उसका चल रहा था, इसका कोई इवेंट वगैरह कोई मैचेस चल रहे थे तो उसका आ रहा था, अभी ये आया है। ये सारे ऑलमोस्ट करेक्टर मेरे पास हैं, ये वाला बस नहीं है, तो ये भी हम ले लेंगे। अभी तक मेरे पास 4000 तो हो चुके हैं, 8000 का नया करेक्टर आई थिंक मिल जाता है। मेरे पास 6-7 हो चुके हैं, तो ये वाला ग्रीन सर वाला करेक्टर कुछ अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, तो ये करेंगे। और पैच नया आ चुका है इसके अंदर, और देखते हैं प्ले स्क्रीन के अंदर क्या चेंजेस हुई हैं। बाकी सब वैसी की वैसी है, और नया मैप जो है वो देख लेते हैं। ये इसके अंदर नई कलेक्शन आई है, 8700 इसकी है, लेकिन ये बाय करने पड़ते हैं। और एजेंट, ये ग्रीन सा एजेंट मुझे शायद मैंने पहले नहीं देखा, गीको आई थिंक था ये पहले से है। 8000 का ये है, अभी 3870 और मुझे चाहिए, ये वाला अगला करेक्टर मैं ले लूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कितने करेक्टर्स हो चुके हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला जो डेडलॉक नया आया था, ये तीसरा ये वाला है, चौथा ये जेट है, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 हो चुके हैं मेरे पास। तो नौवां वो वाला मैं लेने वाला हूँ, ये वाला गीको। ये एबिलिटीज भी अच्छी लग रही हैं, कुछ तो इसमें स्पेशल होगा वैसे। और ये वाला प्रीमियर, ये चीज़ें बाय करने वाली हैं सारी, ये मेरी कलेक्शन है जिसमें अभी तक एक भी स्किन नहीं है। एजेंट अच्छे खासे मैंने कर लिए हैं। कस्टम मैच के अंदर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैप जो है वो लगा सकता हूँ, तो ये लास्ट में ये मैप है। टोटल आप देख सकते हैं कि ये मैप हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां मैप आ चुका है सनसेट। तो ये मैप है कुछ इस तरह का, तो ये अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैं इस मैप को लगा के देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये कस्टम है तो आई थिंक मैं अकेला ही हूँ इसके अंदर। तो कोई भी करेक्टर ले लेते हैं यहाँ से, ये ले लेते हैं, बस वो मैंने इसके अंदर से देखना है ये मैप किस तरह का, इस तरह का नज़र आता है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे शुरू होता है डेटाबेस, ये बाय फेज आ चुका है, तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी गन्स वगैरह हैं। तो फिलहाल ये पिस्टल नज़र आ रहे हैं, वही जो नॉर्मल पिस्टल होते हैं, ये वाला कुछ अच्छा सा लग रहा है, ठीक है ये ले लेते हैं। और अभी 22 सेकंड है, तो इसके अंदर ये वाली जगह है, इसके नीचे नहीं जा सकते जंप करके, वरना मैं नीचे देखता। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पे, ये लॉबी है, और ये मैप ऊपर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा मैप है। और ये मैप है आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इस तरह का कुछ मैप है, ए और बी साइड बनी हुई है, और मैप को मैं बंद कर लेता हूँ। अभी शुरू हो चुका है, अभी मेरे सामने वाली टीम पे कोई नहीं है, क्योंकि ये कस्टम मैच मैंने अकेले का लगाया, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं घूम के पूरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ उड़ रहा है, और ये वाला एरिया यहाँ से नीचे नहीं जा सकते,
रोका हुआ, बस इस साइड पे ऐसे ऐसे जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कोई मैजिकल कुछ यहाँ पे चीज हो रही है और ये इल्यूजन सी क्रिएट हुई है रेडी। ये आप नीचे देख सकते हैं इसके अंदर भी मूवमेंट ऐड करी है, ये एनिमेशन हो रही है उसके अंदर, कुछ तो जादू सा किसी ने किया है। और ये इस तरह का कुछ यहाँ पे बना हुआ है कमरा सा है, इसके अंदर नहीं जा सकते। ओके तो यहाँ पे भी इस तरह की कुछ सिटी है, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, पर ये कहीं से लॉस एंजलस तो नहीं लग रहा है, ये तो वही CS:GO का वो लग रहा है। ये वाली गन अच्छी है वैसे, पहले नहीं देखी मैंने, दो शॉट्स हैं। ओके यहाँ पे ये गली सी है, ये कहीं देखी देखी लग रही है पुरानी वैलोरेंट की, उससे ओके CS:GO वाली ये फील यहाँ से दे रही है। और 6 सेकंड रह गए, पता नहीं 6 सेकंड के बाद क्या होगा। 1 सेकंड, अच्छा मैं जीत गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, अच्छा वापस आ गया मैं वहीं पे। आप इस तरफ जाते हैं, देखते हैं, अकेला ही खेल रहा हूँ तो अकेला ही जीत जाऊँगा क्योंकि, और इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही बस वो बनाया हुआ है। मुझे लगा था कि यहाँ से डोर हम ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये वही डिब्बे से पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ मस्जिद टाइप का कुछ बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ओके तो ये देख सकते हैं किंग्स ट्रांसपो सेंटर, ये ए वाला है, मैंने देख यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये NG लिखा हुआ है और तरफ VLC कुछ पड़े हुए हैं दीवार के साथ, दीवार के अंदर नहीं, ये छोटा सा पतला सा, ये दीवार के ऊपर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कुछ पेंटिंग वेंटिंग की हुई है। लॉस सैंटोस लिखा हुआ है ताकि यकीन आ जाए कि ये लॉस सैंटोस है। हाँ ये गंदगी, ये कागज़ वगैरह और ये बाकी की चीज़ें तो वैसे ही हैं। खूबसूरत मैप है वैसे, लेकिन वही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, सब कुछ वही है। बस इसके अंदर बस ये मैप के नाम पे हमें कुछ सनसेट मैप दे दिया गया कि यहाँ पे ये खूबसूरत कलर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। ए साइट है, बी साइट है, इससे 30 सेकंड लेफ्ट, हम एक और साइट पे आ गए, यहाँ से मैं शायद होके गया था। यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते, उस साइड पे भी जा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये वाला जो नज़ारा है ना, यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, ये ओपन वर्ल्ड होता काश तो हम यहाँ इस साइड पे जा सकते हैं। और वहाँ पे गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो इस मैप में ये पहला मैप है शायद जिसमें इतनी मूवमेंट है हर जगह पे, और ये खूबसूरत पहाड़ हैं, वरना अंदर ये सारे मकान से बने हुए होते थे। और ये देख सकते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बस वहाँ पे जा नहीं सकते। अब इस वाली साइड से जाते हैं, यहाँ से शॉर्टकट है और पहाड़ ही पहाड़ हैं, खूबसूरत चीज़ें। अब राइट साइड पर जाते हैं, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पे कुछ शहर वाली चीज़ें हैं, बबल ड्रीम बबल दुकानें बनी हुई हैं, और ये कुछ अचानक से पुराना सा यहाँ पे कुछ मिक्स ये सारा कुछ। तो ओवरऑल बात यह है कि ये मैप बहुत ही खूबसूरत है और इसमें इस बार कुछ एनिमेशन ऐड की गई हैं, पीछे गाड़ियाँ चल रही है, हवा चल रही है, दरख्त वगैरह ऐड किए गए हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, खूबसूरत है, गांव और शहर का जो माहौल है एक साथ ऐसे डाल दिया इन्होंने, और बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब के की है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी ये पिछले मैप्स की तरह है, कुछ खास नया नहीं है। और इसमें अभी तक मुझे कोई लूप होल या इस तरह की ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई सीक्रेट गेट हो या कोई ऐसी छुप के जो है एनिमीज पे अटैक करने वाली जगह हो वो नहीं मिली है। तो देखते हैं, हो सकता है कुछ मैचेस खेलने के बाद कुछ इसमें नज़र आ जाए। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल खूबसूरत है, बाकी मैप से कुछ ज़्यादा हट के कुछ अच्छी चीज़ इसमें की गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वॉचिंग।